फायदा तो ये हुआ है कि मेरा चश्मा मिला, एक दफा लगाई दूसरा बदली करके ले ली। चश्मे की तकलीफ है, नजदीक का नहीं दिखता था। हाँ अभी अच्छा लग रहा है, पर यार बारे में सही है, अच्छा अच्छा हो रहा है, फिर लोग आराम है हमारा। क्या उधर आर्मी मदरसा चेकअप हो रहा है उसके लिए, और लोग आए सब चेक कराए अपने अपने आँखों और जो भी बीमारी है, अच्छा इलाज मतलब चेकअप हो रहा है। हाँ हर चीज़ का, मेरे को तो अच्छा मतलब चश्मा मिला है, सही है, कोई तकलीफ नहीं, अच्छा दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं, दोनों दोस्त है फिरोज भाई, इन्होंने मेहनत करके लगवाए है, और मेरा नाम है सलीम अंसारी, और ये जो मोहल्ले में लगा है कैंप, तो जाइए, बहुत अच्छा है, लोगों का फायदा हो रहा है इसमें, और ऐसे ही लोगों का फायदा हो, मोहल्ले का फायदा हो, गरीबों का फायदा हो, बस इसके लिए यंग चिश्तिया ग्रुप है हमारा, जिसमें मेन ऑर्गेनाइजर है हमारे फिरोज भाई, जो इतना मेहनत करके ये करे है, तो फिरोज भाई थैंक यू। और भाई बोलेंगे ना, फिरोज भाई ये बताइए आज ये मेडिकल कैंप आपके लिए हो रहा है, तो किसके माध्यम से हो रहा है? ये मेडिकल कैंप रियाज आजमी साहब ने लगाया है, और हमारे हुदा शॉल में हुदा अरबी मदरसे में लगाया गया है, और इस मेडिकल कैंप से काफी लोग फायदा भी ले रहे हैं। अभी तक कम से कम 200 लोग ने इसका फायदा उठाया है, और अभी भी लोग आ रहे हैं, तो इसमें काफी चीज के चेकअप वगैरह हो रहे हैं, इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा काम है। और क्या बोलना चाहेंगे रियाज भाई? नहीं, रियाज भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके वजह से काफी लोग को फायदा हो रहा है, फ्री चेकअप हो रहा है, फ्री दवाई मिल रही है, फ्री चश्मा भी मिल रहा है, आंखों का चेकअप हो रहा है, फ्री चश्मा भी दिया जा रहा है। अरबी मदरसा चिश्तिया ग्रुप के अटैच में रखा गया है, जो समाजवादी के रियाज आजमी साहब है, वो जगह जगह पर लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये चिश्तिया ग्रुप और हुदा अरबी मदरसा, ये लोग भी फलाही काम में आगे आ रहे हैं। इसी तरह से हर एरिए में अगर ऐसा कैंप लगता रहेगा, तो जो मजदूर है, जो गरीब है, जो दवा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका फायदा होगा। अक्सर देखने में ये आता है कि शहर के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन कुछ एनजीओ, कुछ इस तरह के लोग ही ये काम को अंजाम देते हैं, और ये काम होना चाहिए। ये हुदा चाल, हुदा अरबी मदरसा चिश्तिया ग्रुप की तरफ से रियाज आदमी को साथ में लेकर ये कैंप रखा गया है, इससे बहुत से लोग फायदा उठा रहे हैं, और ये कैंप जगह जगह होना चाहिए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रियाज आजमी साहब के लिए हम यही बोलना चाहेंगे कि वो वेस्ट के अंदर जिस तरह से डॉक्यूमेंट का काम कर रहे हैं, मेडिकल कैंप के लिए काम कर रहे हैं, तो ये अच्छा काम है, ऐसा काम हर किसी को करना चाहिए, लेकिन अभी देखने में ये आ रहा है कि इस फील्ड में वो ही आगे नजर आ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए और अपना कीमती समय दिया। आज का जो मेडिकल कैंप के बारे में बताना चाहता हूँ, एवरी
वीकली फोर्टनाइटली ऐसे कैंप लगते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये काम हमारा आज नहीं है, जो दो साल से हम लोग लगातार कैंप्स कर रहे हैं, एजुकेशन एक्टिविटी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन एक्टिविटीज कर रहे हैं, कॉरपोरेशन में जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो हम लोग का ये रेगुलर शुरू रहता है। एक हमारा अजम है और हमारा एक हमारा लोबो है, एक हमारा अजम हमने किया हुआ है खिदमत खल्क। और मैं चाहता हूं कि इस खिदमत खल्क से भिवंडी के जो भी हमारे नौजवान हैं उनसे जुड़े और लोग काम करें, ये चेन बने जो लोगों के बीच में जाए और लोग बढ़ते चले जाए। खिदमत खल्क वाले लोगों की खिदमत करने वाले, खिदमत खुद वाले बहुत घूम रहे हैं हर जगह पे। टारगेट क्या है आपका? टारगेट ये है कि लाखों में रियाज आजमी दिखे इस शहर में, लाखों में, यही मेरा टारगेट है।